बड़ी खबर फ्रांस से, जहां राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। किसान सड़क पर उतर आए हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की है। इस बीच हजारों की तादाद में किसान सड़क पर उतरे और रोड को ब्लॉक कर दिया है। ये प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के साथ साथ सीएपी यानी सामान्य कृषि नीति के खिलाफ हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस से, जहाँ पर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल किसान यहाँ पर सड़कों पर है और आप देख सकते हैं काफी तादाद में भीड़ सड़कों पर है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। अलग अलग इलाकों से यहाँ पर जनता पहुंची है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, बढ़ती महंगाई को लेकर के गुस्सा है और राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सड़क पर है, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हजारों की तादाद में किसान सड़कों पर है, रोड को ब्लॉक कर दिया है। बढ़ती महंगाई के साथ साथ सामान्य कृषि नीति के खिलाफ इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। 100 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और वो भी कई बार इस बात की आशंका जता चुका है कि यूक्रेन का युद्ध परमाणु हमले तक भी पहुंच सकता है। और उस बीच खबर है कि रूसी सेना पर नजर रखने के लिए नेटो के देशों ने रोमानिया में कई टोही विमानों को तैनात कर दिया है। रोमानिया नेटो का सदस्य है और यूक्रेन के साथ लंबा बॉर्डर साझा करता है और इसी वजह से नेटो ने रोमानिया में निगरानी करने वाले विमानों को तैनात करने का फैसला लिया, ताकि वहां से वो रूसी सेना की गतिविधियों पर नजर रख सके। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि पुतिन की सेना की निगरानी के लिए कितने विमानों की तैनाती की गई है, लेकिन दावा है कि जिन विमानों को पेट्रोलिंग के लिए उतारा गया वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी रूस के लड़ाकू विमानों का पता लगा सकते हैं, जिसके जरिए नेटो को रूस के खिलाफ रणनीति बनाने और उस हिसाब से यूक्रेन की मदद करने में आसानी होगी। खबर तो ये भी है कि रोमानिया के अलावा पश्चिमी यूरोप और बाल्टिक सागर में भी इस तरह के कई विमान रूसी सेना पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए हैं। और इधर पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। ये 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड है, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। उधर ब्राजील में 8 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़े कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद अब हंगामा मच गया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने आरोप लगाया कि ये सब पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के कहने पर हुआ और उन्हीं के उकसाने पर हजारों प्रदर्शनकारी ब्राजील के राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ करने पहुंचे थे। वहां से आए वीडियो में कुछ लोग ब्राजील का झंडा लिए राष्ट्रपति भवन की इमारत में तोड़फोड़ करते नजर आए, जिन्होंने वहां मौजूद कांच की टेबल और शीशे के दरवाजों को चकनाचूर कर दिया। और लूला दा सिल्वा का दावा है कि इसमें उनकी मदद राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मियों ने भी की है, जो असल में बोल्सोनारो के कहने पर काम कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को वहां तोड़फोड़ करने दी, जिसके बाद उनमें 40 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इस हिंसक प्रदर्शन के लिए हजारों उपद्रवियों को पहले ही ब्राजील की सरकार गिरफ्तार कर चुकी है।